हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू समृद्धि मिथिला कला। मैं शालिनी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज जो पेंटिंग मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ वो मैं इस कैंसिन की मोटवाल शीट पे बनाऊंगी। ये 17.5 सेंटीमीटर की एक स्क्वायर शीट है जिसपे पहले मैं पेंसिल से एक हल्का सा स्केच ड्रॉ करूँगी, फिर मार्कर से उसे कम्प्लीट करने के बाद मैं उसे डोम्स के ब्रश पेन से उसमें कलरिंग का वर्क कम्प्लीट करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पेंटिंग के आज का सब्जेक्ट है सरस्वती माता। हम सब जानते हैं सरस्वती पूजा आने वाली है, तो मुझे लगा कि अभी आप में से बहुत सारे लोग ये कोशिश करेंगे कि वो खुद से सरस्वती माता की पिक्चर ड्रॉ कर सके, तो ये एक बेस्ट सब्जेक्ट होगा अभी ड्रॉ करने के लिए। इसीलिए मैंने उन्हीं की फिगर बनाने की कोशिश की है और मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये ड्रॉइंग भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अभी मैं पेंसिल से हल्की सी स्केचिंग कर रही हूँ। आपको ये बहुत ही ज़्यादा लाइट दिख रही होगी, इसका रीज़न ये है कि मैं हमेशा बहुत ही लाइट वर्क पेंसिल से करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अगर आप डीप लाइंस खींचते हो तो करेक्शन करने के बाद भी, इरेज करने के बाद भी उनके निशान नहीं जाते। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब मैं ब्लैक कलर के मार्कर से पहले एक पतला सा बॉर्डर ड्रॉ कर रही हूँ और फिर जो मैंने स्केच अंदर किया है उस पर मैं मार्कर से वर्क स्टार्ट करूँगी, जो कि अब मैं करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, पेंसिल से बनाने का एक फ़ायदा ये होता है कि हम एकदम कॉन्फिडेंट होके फिर कुछ भी ड्रॉ करते हैं, जबकि हम पेंसिल से टोटल डिज़ाइनिंग नहीं करते। हम केवल एक लाइट स्केच मात्र करते हैं जिससे हमें ये पता लग जाता है कि फिगर का कौन सा पोर्शन कहाँ ड्रॉ करना है और वो सही ड्रॉ हुआ है कि नहीं। अदरवाइज जो डिज़ाइनिंग का वर्क है वो पूरा का पूरा बाद में फाइनली मार्कर से या फिर अगर हम ब्रश से या नीब से पेंट कर रहे हैं तो उसी से किया जाता है। यही रीजन है कि स्केचिंग का काम जल्दी कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, सरस्वती माता की जो फिगर है अब वो हमारे सामने क्लियर हो चुकी है। इसमें हमने सरस्वती जी बनाई हैं जो कि वीणा बजा रही हैं और हंस पर बैठी हुई हैं। अब जो वर्क हम करेंगे वो वर्क है इनकी डिज़ाइनिंग का। हम इनके ऑर्नामेंट्स बनाएंगे और उसके बाद फिर जब हमारा ब्लैक का वर्क कम्प्लीट हो जाएगा तो हम इसमें फिर कलर का वर्क स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आप में से जो लोग मुझे पसंद करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो ये साथ है या आपका जो सपोर्ट है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप बस ऐसे ही मेरा साथ देते रहें ऐसी मैं उम्मीद कर रही हूँ। जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं और फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं,
तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड नए नए टॉपिक्स आपके लिए बनाती रहूँ, जिसमें अभी मैं इस चीज़ के लिए सोच रही हूँ कि मैं दशावतार की पूरी सीरीज़ बनाऊँ आपके लिए। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। विष्णु के पूरे दशावतार जो है मैं एक सीरीज़ के अकॉर्डिंग बनाऊँगी और फिर वो आपके साथ मैं शेयर भी करूँगी, ताकि आप भी उसे देख कर बना सकें, सीख सकें। जो फिगर में हमने डबल लाइंस किए थे उनके बीच में कचनी का वर्क मैंने कंप्लीट कर लिया है, और ब्लैक कलर से डिजाइनिंग का कुछ वर्क कंप्लीट करने के बाद हमारा ब्लैक कलर का वर्क लगभग कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद हम इसमें कलर फिलिंग का वर्क स्टार्ट कर देंगे। अब हमारे ब्लैक कलर का वर्क लगभग कंप्लीट हो चुका है, और कलर में हम सबसे पहले सरस्वती माता की साड़ी को कलर करेंगे, जिसे मैं येलो कलर से कलर कर रही हूँ। उनके ड्रेस में मेनली मैं 3 कलर्स का यूज़ करूँगी, जिसमें मैं येलो, ग्रीन और रेड को यूज़ करने वाली हूँ। ऑर्नामेंट्स को कलर करने के लिए मैं ऑरेंज और येलो का यूज़ करने वाली हूँ।
तो फ्रेंड्स, अब फिगर में कलरिंग और डिज़ाइनिंग का वर्क हमारा लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है और अब जो हमें काम करना है वो है बैकग्राउंड को फिल करना और बॉर्डर को बनाना। तो बॉर्डर में मैं एक स्क्वायर को कचनी करूँगी और एक में मैं कलर फिलिंग का वर्क करूँगी। उससे पहले मैं लाइट ब्लू कलर से पूरे जो हमारा बैकग्राउंड है, जो हमारा ब्लैंक बैकग्राउंड है, उस पूरे बैकग्राउंड को मैं कलर कर रही हूँ। और बैकग्राउंड की कलरिंग के बाद फिर मैं बॉर्डर में वर्क कंप्लीट करूँगी और हमारा ये पोस्टर कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरे पहले के पोस्टर्स की तरह ये पोस्टर भी काफ़ी पसंद आएगा। इससे आपको सीखने में बहुत मदद मिलेगी और आप इससे देखकर इस फिगर को बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे और एक बेहतर तस्वीर बनाएंगे भी। फ्रेंड्स, अब थोड़ी सी फिनिशिंग वर्क के बाद हमारा ये पोस्टर टोटली कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप इसे पसंद करेंगे, इसके साथ बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पोस्टर के साथ।